बिहार पुलिस का एक जवान वर्दी में ही आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। जवान ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा आपने शायद कभी देखा होगा। लगभग एक घंटे तक वह हंगामा करता रहा, लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे। कुछ पल के लिए लगा कि वह शराब के नशे में है। इस दौरान उसने एक से एक डायलॉग भी दिए जिसको सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई थी। इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर की घंटी कौन बजाएगा और मंदिर में इबादत कौन करेगा। इस तरह की लाइन बोल बोलकर वह लोगों का मनोरंजन करता रहा। आरजेडी कार्यालय के बाहर दिल चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मैं पुलिस वाला हूँ, हिंदुस्तान का सिपाही हूँ, देश की रक्षा करने वाला हूँ। आरजेडी कार्यालय के बाहर यह नौटंकी देखने के लिए और वीडियो बनाने वालों की भीड़ लग गई। लगभग एक घंटे के ड्रामे के बाद कोतवाली थाने की पुलिस आकर उस शख्स को ले गई। बताया जाता है कि वर्दी पहनकर ड्रामा करने वाला पुलिस का यह जवान पटना के दनियावा थाना में सिपाही के पद पर पदस्थापित है। इसका नाम राकेश कुमार यादव है जो मूल रूप से मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। दनियावा थाना अध्यक्ष ने बताया कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पुलिस लाइन में यह था, उसके बाद वहां से दनियावा थाना भेज दिया गया। कहा कि सिपाही ड्यूटी कम करता है और बाहर निकल जाता है, इसी तरह करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस जवान की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसे ड्यूटी पर क्यों रखा गया, क्योंकि उसने शराब नहीं पी थी। ऐसा चर्चा कि सिपाही का मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो इलाज चल रहा था, इलाज के बाद ठीक होने पर ड्यूटी ज्वाइन की थी। दोनों हाथ जोड़ के हाँ। नमस्कार करते हैं। अरे लाल टोपी है यार इसका, नाम क्या है, नाम क्या है? पुराना रहता था इसका, भाई हूँ राकेश कुमार, हिंदुस्तान का सिपाही। अरे कहाँ पोस्टेड हो बताओ? पोस्टेड हमसे पूछे, इंसान ही नहीं रहेगा मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? नकली वर्दी पहने हुआ, ये टोपी कहाँ से लिया? ये वाला नकली वर्दी है, अपना ही नहीं, ये नकली है, फ्रॉड होना।